आजकल मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़के है। दिल धड़के है तो किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखा। अजी इसका इलाज तो तुम ही कर सको। मेरे धोर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देख ली तन्ने? जड़ी बूटी देख ली जब ही तो थारे पीछे पीछे आई हूँ। इलाके का उत्तरी हिस्सा घने जंगल वाला है और मुझे यकीन है कि धामा का अड्डा जरूर इसी जंगल में होगा। सर, बिना पता चले वहां पर जाना खतरनाक हो सकता है। वैसे भी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित हो सकती है। सर, हमें पूरी तैयारी के साथ वहां चलना होगा। तुम सही कह रहे हो, पहले उसके बारे में हमें सही जानकारी करनी होगी। कोई तो होगा उसका साथी या खबरी।
जो उसके बारे में हमें सही जानकारी दे सके। धामा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मुझे चाहिए। तुम लोग धामा के बारे में पता लगाओ, ठीक है? हल्दाल, ये पैते लामपुल वाले थेते हते आए, तिथि मिलते ही पैते पुतादा। हल्दाल, एक बात बताओ, जब पहले पैते मिले थे तो तुम बड़े थुसुयाते रहते, आजकल बड़े थोए थोए से लेते हो, ये बात है? ऐसी कोई बात ना है, एक बचपन का दोस्त मिल गया था, बस उसी के बारे में सोच रहा था। थलदाल तोन था, तुझ हमें भी बता दो। अरे कुछ खास नहीं, बात तो कुछ ना कुछ जरूर है। कई दिनों से सरदार अकेले अकेले रहते हैं। अले बात ते है, बात है एक लड़की। क्या? हाँ लड़की। लड़की? हाँ लड़की। कौन है वो लड़की? कौन हो तुम? माँ बचाओ, पिताजी बचाओ मुझे, माँ कौन हो तुम? बचाओ, काले जा रहे हो मेरी बेटी को। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मेरी बेटी को। पापा निकलो यहाँ से, जल्दी करो, कुछ तो करो, पुलिस में ही खबर कर दो। दरोगा जी बचाओ मेरी बेटी को, मेरी बेटी को बचा लो। क्या बात है? दरोगा जी मेरी बेटी को डाकू उठा के ले गए, बचा लो दरोगा जी। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, हम पे भरोसा रखिए। सिपाहियों सब अपने हथियार उठा लो। धामा अब तक धन पर डाके डालता था, अब इतना गिर गया कि माँ बहनों की इज्जत पर भी डाके डालने लगा। चलो मेरे साथ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मुझे। चलो। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, जाने दो। ये थलदाल का माल है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। थलदाल, मैं थाली दवाई ले आया। किसने कहा तुम्हें इसको लाने को? थलदाल वो तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसा कदम कौन उठाएगा? मत लो मेरा नाम। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, धामा डाकू ऐसा है वैसा है, दहशत बैठी हुई सबके दिलों में तुम्हारे नाम की। वास्तव में धामा हैवान है, शैतान है। जब अपने बचपन के दोस्त से मिली तो लगा के लोग धामा को वैसे ही बदनाम करते हैं। धामा बहुत अच्छा है, पर मैं ये भूल गई थी कि धामा एक डकैत है। डांका गिरना उसका काम है, उसी में ही उसे मजा आता है, चाहे वो डांका किसी की तिजोरी का हो या फिर किसी औरत की इज्जत का। सुनो, ईश्वर साक्षी है कि धामा ने आज तक किसी औरत की इज्जत को गलती से भी आंच नहीं आने दी। और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं तो ये ले मेरी बंदूक और खत्म कर दे हम सबको, कोई भी अपनी जगह से एक कदम भी नहीं लाएगा। चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। सरदार, आप एक लड़की के लिए हमारी बेइज्जती कर रहे हो।